अब जो पोजीशन है गुरु की गुरु चार सितंबर को वक्री हो गए थे ये नेट्रोगेशन मोशन में चले गए थे और अब जो है वो इकत्तीस दिसंबर को चार सितंबर से लेकर इकतीस दिसंबर यानी कि एक सौ अठारह दिन के बाद वो मार्गी होने जा रहे हैं जो. अब बकरी और मार्गी का जो, जो मेंशन किया गया है होरा प्राशन शास्त्र में भी फल दीपिका में भी कि कोई भी प्लांट जब वक्री होता है तो वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल तेजी के साथ देता है तेजी के साथ देता है जब वो वक्री होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो पोजीशन क्या है पोजीशन जी और जब वो ट्रांजिशन में आ जाता है मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु की दशा चल रही है और गुरु खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं छः आठ बारह में है और इस बीच तो वो वक्री हो गए वो पहले से खराब पोजिशन में थे महादशा भी चल रही थी मान लीजिए वृक्ष राशि की कुंडली है तो वृक्ष राशि की कुंडली में गुरु अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं तो अष्टम भाव के फल करेंगे और वो तेजी से करना शुरू कर देंगे मान लीजिए वो कुंडली जो है वो इस समय जो मेष मेष राशि के ऊपर जो है वो शुभ चल रहा है मान लीजिए मेष मेन राशि की कुंडली है तो मेष राशि में गुरु का इस समय गोचर चल रहा है वो शुभ गोचर है और यदि मीन राशि के लिए इस समय दशा या अंतरदशा गुरु की चल रही है तो वो दशम भाव की और लगन की चल रही है तो वो अच्छे फल कर रही है अच्छे ज़्यादा अच्छे होने शुरू हो जाएंगे जब वो वक्री होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में पुलिस क्या है ये वक्री और मार्गी की अवस्था है अब गुरु की आ, अच्छी पोजीशन मैं कहूंगा क्योंकि गुरु नेहा बाईस अप्रैल को गोचर हुए 2023 में जी। में उस समय गुरु जो थे वो राहु के तु एक्सेस में थे यानी कि मंगल की राशि में आ गए अपने मित्र की राशि में आ गए लेकिन वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे जी। इस बीच चार सितंबर को वो वक्री हो गए चार सितंबर को वक्री हुए तो राहु का ट्रांजिशन अगले भाव में हो गए यानी कि वो मी, आ, मीन 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 राशि 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 में में चले चले गए गए गुरु की मीन आ, मीन में चले लेकिन गुरु अभी भी स्वतंत्र हैं लेकिन वक्री अवस्था में है। जी। तो गुरु अब मार्गी हो जाएंगे मार्गी होने से जब सीधी चाल चलेंगे तो निश्चित तौर पर काफी राशियों को उसका फायदा होगा जी सर अब जैसे बात राशियों की चल रही है और आपने जैसे कहा कि बहुत सारी राशियों का फायदा भी होगा तो चलिए अब वो जानते हैं कि कौन सी राशियां जिनका फायदा होने वाला है देखिए नेहा सबसे पहली तो मीन राशि है गुरु का गोचर शास्त्रों के मुताबिक हम मैं शास्त्रों के मुताबिक ही बोलूंगा यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि करोड़पति बना देंगे या आपको माला माल कर देंगे वो स्थिति नहीं है हाँ स्थितियाँ कुछ बेहतर हो जाएंगी हाँ स्थितियाँ बेहतर होगी गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं वो चीज़ समझिए पहले गुरु आपकी कुंडली में किसी भी कुंडली में नेहा गुरु चार भावों के कारक होते हैं और गुरु एक लौते प्राण है जो चार भावों के कारक होते हैं जी। गुरु दूसरे भाव के कारक हैं ये धन स्थान है गुरु पंचम के कारक हैं ये हायर एजुकेशन है आपका स्टेट ऑफ माइंड है और इजी गेंस का भाव है गुरु नौवें भाव के कारक हैं वो भाग्यस्थान है गुरु ग्यारहवें भाव के कारक हैं वो आय स्थान है जब इतने शुभ भावों का कारक यानी कि दूसरा धन भाव भाग्यस्थान पंचम दोनों त्रिकोण का कारक ग्यारहवें भाव का कारक जब मार्गी हो जाए जब उनकी चाल सीधी हो जाए तो आप इमेजिन करिए कितने लोगों को किस तरह का फायदा होगा तो ये एक स्थिति है तो सबसे पहली राशि नेहा जो वो है वो मीन राशि है क्योंकि गुरु का गोचर दूसरे भाव में शुभ होता है दूसरे भाव में जब गुरु बैठते हैं शुभ में आप तत्व क्यों होता है उसका लॉजिक है जब दूसरे भाव में गुरु बैठते हैं वो धन भाव में बैठते हैं उसी भाव के वो कारक हैं तो दूसरे भाव में बैठे गुरु की एक दृष्टि जाएगी सीधी पंचम वाली छठे भाव के ऊपर छठा भाव क्या है लगन का वो छठा है जहाँ से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो जिन लोगों को कर्ज की प्रॉब्लम है जिन लोगों को समस्या आई है पैसा अटका हुआ है जिन लोगों का लिटिगेशन चल रहा है वहां पर अब राहत मिल सकती है अगले 120 दिन 31 दिसंबर से लेकर यानी कि इनका नया साल अच्छा शुरू होने वाला है जो मीन राशि के जातक हैं 31 दिसंबर तक रोग ऋण शत्रु इन तीन चीज़ों के ऊपर इंप्रूवमेंट हो सकती है अब गुरु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो सातवीं दृष्टि जाती है अष्टम भाव के ऊपर वो सीक्रेसी का भाव है अष्टम भाव सडन दुर्घटना का भाव है सडन प्रॉफिट का भी वही भाव है सडन लॉस भी वहीं से आता है तो अष्टम भाव से संबंधित सारे सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे अब दूसरे भाव में जब गुरु बैठे हैं तो नौवीं दृष्टि जाएगी कर्म स्थान के ऊपर इसका मतलब यह है कि दूसरे भाव में जब गुरु बैठते हैं तो ट्रेंगल को एक्टिवेट कर देते हैं इसको अर्थ ट्रेंगल बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा में जब दसवें भाव का ट्रेंगल एक्टिवेट होता है त्रिकोण भाव जिसको बोलते हैं तो वो अर्थ ट्रेंगल है तो अर्थ ट्रेंगल के एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि आपका काम बढ़ सकता है भले ही आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर प्रमोशन के योग हो सकते हैं यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि गुरु अब अपने मित्र मंगल की राशि में स्वतंत्र रूप से मार्गी अवस्था में काम करने के लिए तैयार हैं और वो उसके अच्छे फल निश्चित तौर पर करेंगे जी। तो ये जो मीन राशि है उसके जातकों के लिए हाँ नेहा जिन लोगों को काम नहीं है जो जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं आगे जाकर अपने रिज्यूम फाइल कर रहे हैं लेकिन वो स्थिति नहीं आ रही कोई इनविटेशन नहीं आ रहा कोई कॉल नहीं आ रहा वहां पर गुरु की पोजीशन अब क्या करेगी गुरु दूसरे भाव में है दूसरा दशम का पंचम है तो जब दूसरे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर उन लोगों को नई नौकरी मिल सकती है जो पहली बार जॉब ढूंढना चाहते हैं जो पहली बार जॉब करना चाहते हैं अर्निंग का नया सोर्स कोई अर्निंग का कोई सोर्स खुल, खुल सकता है जिनकी पहली अर्निंग का मौका है तो ये मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का जो 120 दिन का ये टाइम होगा ये वो टाइम लेकर आएगा यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो इकोनॉमिकल पोजिशन फाइनेंशियल पोजिशन उनकी उनकी जॉब की स्थिति या उनके कारोबार की स्थिति बेटर होगी ये मोटा मोटा विश्लेषण है मीन राशि के जातकों के लिए बाकी रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति मिलेगी यदि केस चल रहा है तो वो भी हल हो जाएगा, हो जाएगा। जी। तो अगली राशि नेहा जहाँ से पंचम भाव में गोचर होगा क्योंकि गुरु का गोचर दूसरे और पांचवें सातवें नौवें ग्यारहवें पांच भावों में अच्छा होता है शुभ माना जाता है दूसरी राशि जिसके लिए पंचम भाव में गोचर होगा गुरु का वो है यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो बनती है आपकी गुरु की ही राशि क्योंकि तो जब धनु राशि लगन में होगी तो मेष राशि पंचम भाव में आ जाएगी तो धनु राशि गुरु की दो राशियां यानी कि धनु भी और मीन भी मीन के लिए अच्छा अच्छा उसके लिए भी धनु के लिए भी अच्छा, अच्छा, अच्छा तो धनु राशि के लिए गुरु पंचम भाव में बैठे हैं पंचम में उनके मित्र की राशि है मंगल की धनु राशि के लिए मंगल मित्र तरह फल करते हैं तो पंचम में जब बैठते हैं तो पंचम का फल क्या है नेहा जो हमने बताया कि पंचम का फल है एलिवेशन तो तो का भाव है. 11th से आपको तरक्की मिलती है लाइफ में आप भले ही जॉब में है एलिवेशन भले ही बढ़ोतरी का भाव है वृद्धि का भाव है भले ही आपकी फैमिली में वृद्धि की बात कर लीजिए यानी कि धनु राशि के जो जातक जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फैमिली प्लानिंग करनी है उन्होंने उनके पर कोई चल रहा है प्रेगनेंसी का इशू चल रहा है तो निश्चित तौर पर अगले चार महीने ऐसे हैं जहां पर गुरु वो जो है वो वो संतान संतान दे सकते हैं 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 सबसे पहले क्योंकि वाले वाले भाव में बैठे वाले भाव में में बैठे वृद्धि देख रहे गुरु की दृष्टि जा रही है एक नेहा भाग्यस्थान के ऊपर इसका मतलब यह है कि वो भाव जो है वो अध्यात्म का भाव है वो एक्टिवेट हो गया गुरु उस भाव के कारक है खुद वो एक्टिवेट होगा तो अध्यात्म वाले भाव के एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि धार्मिक जो जर्नीज है ना यात्रा है वो हो सकती है आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं थोड़ा स्पिरिचुअली आपका इंक्लाइनेशन हो सकता है स्पिरिचुअली okay. मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब पंचम में बैठेंगे तो एक दृष्टि लगन के ऊपर भी जाएगी जब लगन के ऊपर जाएगी तो बंदा वैसे ही जब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है लगन के ऊपर की गुरु की दृष्टि है तो जो व्यक्ति है जो जातक है उसका स्वभाव वैसे ही धार्मिक हो जाता है तो धर्म अध्यात्म वाले भाव के ऊपर भी लगन के ऊपर भी जब गुरु की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा पॉजिटिविटी uh, आएगी अर्निंग्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी जिनको दरकार है प्रमोशन की वो प्रमोशन हो सकता है जिनको पोलिटिकल पोर्शंस जो है वो अपोजिशंस की दरकार है उनको पॉलिटिकल पोजिशन भी मिल सकती हैं निहाँ आने वाले चार महीनों में ही जब ये गुरु मार्गी होंगे इकतीस दिसंबर को आने वाले चार महीने में ही देश का पोलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो पूरा हीटअप होगा अब देखेंगे कि बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने एम की टिकट काटेंगी बहुत सारी एम को टिकट देंगी तो वो जो दौर है क्योंकि इलेक्शन वाला दौर आना है आगे जाकर गुरु का ट्रांजिट तीस अप्रैल को होने जा रहा है और वो इन द सारा प्रोसेस होगा इलेक्शन का क्योंकि मई में तो रिजल्ट आ जाएंगे इलेक्शन का कोड लगने जा रहा है रफली फरवरी एंड वीक या मार्च फर्स्ट वीक तो जब इलेक्शन का कोर्ड लगेगा तो गुरु इन राशियों के जातक जो पॉलिटिकल फील्ड में है वहां पर उनका फायदा करवा सकते हैं बहुत सारे लोगों की टिकटें कटेंगी बहुत सारे सरप्राइज खट्टर जैसे सीएम जैसे बने थे मनोहर लाल खट्टर जी वैसे ही राजस्थान के खट्टर उन्होंने निकाल दिए हैं छत्तीसगढ़ के निकाल दिए हैं एमपी के निकाल दिए हैं तो बहुत सारे बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे देश की पॉलिटिक्स में भी तो ये चीजें जो है वो अप्रैल दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच होंगी इकतीस से लेकर अप्रैल तक तो ये सिर्फ धनुराशि के जातकों के लिए मैं बोल रहा हूँ अगली राशि नेहा जो है जिनके लिए गुरु अच्छा फल करेंगे वो है तुला राशि तुला राशि क्योंकि तुला राशि के लिए गुरु सप्तम में गोचर करेंगे अब सप्तम क्या है नेहा सप्तम बेसिकली पार्टनर का भाव कहा जाता है लेकिन सप्तम भोगसान है किसी भी तरह का भोग लाइफ में सप्तम से ही आता है तो सप्तम में जब गुरु बैठे हैं तो उनकी दृष्टि जाती है अगेन ग्यारहवें भाव के ऊपर जैसे धनु राशि की जातकों की के लिए गुरु की सीधी दृष्टि जाती है ग्यारहवें भाव के ऊपर जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए ग्यारहवें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी गुरु ग्यारहवें भाव को एक्टिव एक्टिवेट करेंगे एलिवेशन जो है वो हो सकती है तरक्की हो सकती है पोलिटिकल फील्ड में भी हो सकती है प्रोफेशनल में भी हो सकती है वो आय स्थान है वहां पर आय वृद्धि भी हो सकती है तो निश्चित तौर पर तुला राशि इज वन ऑफ द साइन जिनको आ, इसका फायदा होगा आ, गुरु के इस गोचर का गुरु जब सप्तम बैठते हैं तो सीधा आ, या तो सातवीं दृष्टि से लगन को देखेंगे चंद्रमा को देखेंगे आ, आप कुछ भी मान सकते हैं लगन भी मान सकते हैं चंद्रमा भी मान सकते हैं तो चंद्रमा को जब गुरु देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है व्यक्ति जैसे पंचम में बैठकर लगन को देखते दे वैसे सप्तम में बैठकर भी लगन को देखेंगे तो पॉजिटिविटी आती है उससे आपको काफी फायदा होता है निश्चित तौर पर जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हो तो आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं तो नेहा यहाँ पर जब गुरु बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी तीसरे भाव के ऊपर जाती है यानी कि भाइयों से फायदा हो सकता है भाइयों को फायदा हो सकता है वो सिबलिंग्स का भाव है वो आपके पराक्रम का भाव है जिस चीज को करने के लिए अब तक आप कंफ्यूज हो रहे थे आप डर रहे थे वहां पर आप पूरी कमिटमेंट के साथ पूरी डिटर्मिनेशन के साथ फैसले लेंगे चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का फैसला है चाहे वो पर्सनल लाइफ का फैसला है तो वहां पर चीजें जो है वो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी सप्तम गुरु का ट्रांजिट नेहा शादी भी करवाता है जी। जब गुरु सप्तम में बैठे तो सप्तम एक्टिवेट हो जाएंगे खासतौर पर महिलाओं के लिए गुरु हस्बैंड के कारक होते हैं तो वहां पर जो सिंगल बैठे हैं जिनको लगता है कि अभी शादी नहीं हुई है तो वो चार महीने का वो पीरियड ऐसा हो सकता है जिस दौरान शादी का भी योग बन सकता है तो ये चीजें गुरु का गोचर जो है वो करवाएगा तुला राशि के जातकों के लिए वो सप्तम में गोचर कर रहे हैं आगे नौवें भाव से किन के लिए गोचर करेंगे वो देखते हैं कि नौवें भाव में जब आ, गुरु आएंगे तो ये सिंह राशि के जातकों की स्थिति है सिंह राशि के जातकों के लिए नौवें भाव में आ जाएंगे तो नौवें भाव में गुरु का गोचर करना भाग्य स्थान में गुरु का गोचर भाग्य स्थान कुंडली का सबसे बेस्ट स्थान होता है बारह भाव होते हैं बारह भावों में से नौवा भाव सबसे अच्छा भाव माना गया है और वो गुरु उस भाव के कारक हैं यदि हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो गुरु भाव के स्वामी भी हो जाते हैं तो वहां पर जिस भाव के कारक गुरु हैं वहां पर गुरु की स्थिति गोचर में वहां पर बैठेंगे तो सीधा पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे अगेन देखिए सारी स्थितियों में गुरु त्रिकोण में जो एक्टिवेट कर रहे हैं मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे पंचम सप्तम नवम जब बैठते हैं तो लगन को एक्टिवेट जरूर करते हैं वो भले ही पांचवी दृष्टि से कर रहे हैं वो भले ही नौवीं दृष्टि से सातवीं दृष्टि से कर रहे हैं यहां पर पांचवी दृष्टि से लगन को एक्टिवेट करेंगे तो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव चीजें जो है वो माइंड में आएंगी आप पूरी जो है वो कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और नेगेटिविटी थोड़ी सी इग्नोर होएगी और ये 24 में बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी इनके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए अब जब गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो एक दृष्टि अगेन तीसरे भाव के ऊपर जैसे इस भाव के लिए थी वो तीसरे वो सातवीं थी पांचवीं थी यहाँ पर सातवीं थी तो भाइयों से फायदा हो सकता है भाई को फायदा हो सकता है वही डिसीजन मेकिंग जो है वो कमिटमेंट के साथ करेंगे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे जहां पर कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन जो है वो निकल जाएगी अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी अलग है नेहा इस राशि के जातकों के लिए यहाँ पर गुरु नौवे बैठे हैं और पंचम को एक्टिवेट कर देंगे पंचम क्या है जो सिंगल है उनके लिए रिलेशनशिप का स्थान है यानी कि जो कोई व्यक्ति सिंगल है इस राशि का उनको हो सकता है कि कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए जिनके लिए पेरेंट्स रहे हैं उनका रिश्ता हो जाए जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि पंचम से संतान का भी विचार किया जाता है गुरु संतान के कारक ग्रह हैं तो निश्चित तौर पर इस राशि के लिए भी गुरु का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है और अगली जो राशि है पन, जो पांचवी राशि है जिसके आजा. लिए गुरु का गोच, गोचर अच्छा रहेगा वो है मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए गुरु ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे ग्यारहवें भाव से जब वो दृष्टि देंगे अगेन वो तीसरे भाव को देंगे ग्यारहवा भाव धन का भाव है आय का भाव है आय के भाव के कारक गुरु हैं जैसे धन भाव के कारक गुरु हैं वहाँ पर गुरु बैठेंगे तीसरी पांचवी दृष्टि से सीधा तीसरे भाव को देखेंगे और वहां पर भाइयों से फायदा हो सकता है भाइयों को फायदा हो सकता है पहले तो यह है कि बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं जहां पर नेहा भाइयों से फायदा हो रहा है या भाइयों के साथ यदि रिलेशनशिप खराब है तो वहां पर रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो सकती है फैसले पूरी कंफ्यू कमिटमेंट के साथ पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे और जब गुरु वहां पर बैठते हैं ग्यारहवें भाव में तो अगेन पंचम को एक्टिवेट करते हैं सातवीं दृष्टि से पंचम फिर अगेन वो मैरिज वाला रिलेशनशिप वाला भाव है जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई रिलेशनशिप आ सकता है रिश्ता आ सकता है जिनके फैमिली मेंबर ढूंढ रहे हैं उनको उसका फ़ायदा हो सकता है जिनके संतान नहीं है उनको संतान आ सकती है और जो शादी की वेट कर रहे हैं उनकी शादी भी हो सकती है क्योंकि चार महीने गुरु सप्तम को भी एक्टिव रखेंगे सप्तम के ऊपर पांचवी दृष्टि जाएगी जब ग्यारहवें भाव में गुरु गोचर करते हैं तो उनकी नौवीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव के ऊपर जाती है तो नौवीं दृष्टि से वो सप्तम को एक्टिवेट करेंगे तो सप्तम से शादी देखी जाती है सप्तम से पार्टनर देखा जाता है सप्तम भोग स्थान है तो यहाँ पर जितने भी बिजनेस पार्टनर है चाहे या आपका लाइफ पार्टनर है यदि कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कन्फ्लिक्ट दूर हो सकता है यदि सिंगल है सिंगल है शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है लड़की ढूंढी जा रही है तो शादी हो सकती है यदि पार्टनर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिज़नेस पार्टनर के साथ तो वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट दूर हो सकता है तो ये पाँच राशियाँ हैं नेहा जिनको इसका फ़ायदा होगा कौन सी टर्म्स में होगा कौन से भाव एक्टिवेट होंगे ये सारी चीज़ें हैं इसमें कहीं पर भी लॉटरी की बात नहीं है किसी में कहीं पर भी करोड़पति बनाने वाली बात नहीं है क्योंकि ये योग हर साल बनता है हर साल कुछ लोगों को फायदा होता है कुछ लोगों को पोलिटिकली फायदा होगा कुछ लोगों को लाइफ में प्रमोशन का फायदा होगा कुछ लोगों का बिजनेस जो है वो एक्सील करेगा करेगा और बहुत में अच्छे लेवल पर करेगा, क्योंकि गुरु गुरु की दृष्टि अपने आप में गुरु सबसे पॉजिटिव प्लांट है गुरु की दृष्टि अपने आप में बहुत शुभ होती है तो दृष्टियां जब शुभ होती हैं गोचर जब शुभ होता है तो आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता ही मिलता है जी। सर अभी आपने कहा कि इन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो क्या Uh, कुछ का गुचर अच्छा नहीं होता। तो तीन, यहाँ पर एक सवाल हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो इनकी चाल सीधी हो जाएगी अगर चाल सीधी हो जाएगी फिर प्रभाव उल्टा क्यों पड़ेगा प्रभाव उल्टा नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो गोचर गुरु की स्थिति है ना गोचर वाली गोचर वाली स्थिति खराब है आप समझिए प्रभाव नहीं उल्टा पड़ेगा प्रभाव सीधा ही रहता है गुरु का आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति पर डिपेंड करता है चाल तो सीधी चलेंगे उन्होंने अपनी चाल करनी करनी है मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में अष्टम के स्वामी है तो वो अष्टम के ही फल करेंगे ना जी। यदि बारहवें भाव के स्वामी है वो बारहवें के ही फल करेंगे अब छठे भाव तो में बैठे हैं तो छठे आठवें बारहवें का फल करना उनकी ड्यूटी है भले ही वो अच्छे अच्छे वो प्लानट हैं शुभ प्लानट माने जाते हैं लेकिन ये ये ऐसी स्थिति है मान लीजिए आप एक थाने में वो लगी हैं एस एच ओ लगे हैं और आपके ऊपर का जो ऑफिसर है वो आ जाता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आ जाता है स्ट्रिक्ट कह लीजिए करप्ट कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए आपको वो काम करना पड़ता है जो वो कहता है वो आपके अनुसार हो ना हो अब आपकी भूमिका वो है कि आप छठे में बैठे हो आपको छठे के फल करने पड़ेंगे आप अष्टम में बैठे हो आपको अष्टम के फल करने पड़ेंगे okay. आप में बैठे हो आपको बारहवें के फल करने पड़ेंगे हालांकि आप शुभ ग्रह हो लेकिन इसके बावजूद आपको वो फल करने पड़ेंगे इस कारण यहाँ बहुत सारी कुंडलियों में गुरु की महादशा में भी बहुत एडवर्स रिजल्ट मिलते हैं मैंने देखा है जहाँ पर जहाँ पर गुरु अष्टम के स्वामी हो जाते हैं वहाँ पर वो अपनी दशा में डिजास्टर कर देते हैं तो ये ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में स्थिति क्या है गुरु की लेकिन छठे भाव से गुरु का गोचर अच्छा नहीं है और जिन लोगों के इस समय छठे भाव से गुरु का गोचर होगा उनमें सबसे पहली जो राशि है वो वृश्चिक है जी। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर अच्छा नहीं है क्योंकि छठे भाव में गोचर हो रहा है और वृश्चिक राशि के लिए गुरु दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं अपने भाव से तो पंचम जाएंगे लेकिन राशि से छठे आ जाएंगे राशि से छठे जाना अच्छा नहीं है छठे गोचर कर ही रहे हैं राधर हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी दशम भाव के ऊपर वहां पर चीज़ें ठीक रहेंगी दृष्टि ठीक रहती है लेकिन ओवरऑल गोचर उनके लिए अच्छा नहीं है रोग ऋण शत्रु के लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है और वृश्चिक राशि नेहा ऐसी राशि होती है जहाँ पर दूसरे भाव में गुरु की धनु राशि आ जाती है गुरु मार्केश हो जाते हैं पंचम भाव में गुरु की जो है मीन राशि भी होती है लेकिन कोई भी ग्रह भले ही गुरु है भले ही शुक्र है भले ही बुद्ध है ये सारे ग्रह जो हैं भले ही शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करते हैं तो मूल त्रिकोण राशि मारक स्थान में है गुरु मारक स्थान का फल कर सकते हैं बीमारी लिटिगेशन एलिगेशन कर्जे वाली स्थिति आ सकती है ये गोचर नहीं इसके अलावा भी दो राशियां हैं जिनके अष्टम में गोचर गोचर होगा कन्या राशि है उनके अष्टम में गोचर हो जाएगा अष्टम में गोचर भी अच्छा नहीं है क्योंकि जब अष्टम में गोचर करेंगे तो रोग दुर्घटना लंबी बीमारी अष्टम से आती है चोट चपट अष्टम से आती है दुर्घटना अष्टम से आती है सीक्रेसी आपकी अष्टम से आती है यहाँ पर इन सेक्टर्स में इन एरियाज ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर इनको ड्राइविंग ध्यान से करनी चाहिए सबसे पहले तो अपने पासवर्ड सिक्योर रखने चाहिए कहीं लीक ना हो जाए कहीं सीक्रेसी लीक ना हो जाए यहाँ आजकल बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं हमने दो का डाटा देखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड कंट्रोल रिकॉर्ड ब्यूरो का तो जो जंप आया है साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स में वो बहुत ज्यादा है 25 परसेंट केसेस इसी साल बढ़ गए हैं तो ये इसी तरह के केसेस हो जाते हैं जब आपकी सीक्रेसी लीक हो जाती है आपके पासवर्ड लीक हो जाते हैं तो वहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम के जो सिग्निफिकेंस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन एरियाज के बारे में ड्राइविंग जरूर स्लो करें कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की बात माने नहीं तो वो बीमारी लंबी खींच सकती है क्योंकि अष्टम लंबी बीमारी का भाव होता है अगली राशि नेहा जिसके लिए अच्छी नहीं है ये चीज़ वो है वृक्ष राशि वृक्ष राशि के लिए बारहवें गोचर करेंगे गुरु बारहवें का गोचर अच्छा नहीं है अब बारहवें से क्या आता है बेड कम्फर्ट बारहवें से आते हैं खर्चे सारे बारहवें से आते हैं खर्चे अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकते हैं इस राशि के जातकों के लिए इनको इस चीज इस तरफ ध्यान रखना चाहिए आपकी बॉडी में लेफ्ट आई बारहवें भाव से देखी जाती है नेहा वहां पर आई साइड में दिक्कत हो सकती है स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी समस्या हो सकती है क्योंकि सारे जो स्लीपिंग से संबंधित सारी समस्याएं बारहवें भाव से आती हैं मोक्ष बारहवें भाव से आता है वो भाव अच्छा नहीं है इसलिए छह आठ बारह में किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता सिवाय शुक्र के शुक्र को बारहवें का दोष नहीं लगता बाकी सारे बारहवें जाकर वीक हो जाते हैं या वहां पर वहां से संबंधित सिग्निफिकेंस जो है वो डिस्टर्ब करते हैं तो गुरु उनमें से एक है जो छह आठ बारह में अच्छा फल नहीं करेंगे तो ये तीन राशियां हैं जिनके लिए अच्छा नहीं होगा बाकी जो चार राशियां बची हैं उनके लिए गुरु न्यूट्रल ही रहेंगे कुछ राशियां केंद्र में रहेंगी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है नेहा गुरु के बारे में कहा जाता है जी। कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं हानि तब करेंगे जब गुरु अकेले होंगे गुरु किसी प्लैनेट के साथ हो जाएंगे तब हानि नहीं करेंगे क्योंकि वो उस प्लैनेट के गुण भी ले लेंगे उस प्लैनेट के साथ संबंध भी फल करेंगे प्लैनेट जब बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे के गुणों का दान प्रदान भी कर लेते हैं तो जब गुरु अकेले होते हैं तो हानि करते हैं जब गुरु किसी के साथ हो जाते हैं किसी की दृष्टि में हो जाते हैं फिर हानि नहीं करते ये भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में गुरु की मीन राशि बारहवें भाव में चली जाती है तो गुरु बारहवें भाव के भी फल करना शुरू कर देते हैं इसलिए वो कहा जाता है कि सप्तम में गुरु है तो शादी जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो ये चीज़ें हैं गोचर की जिनको गुरु के गुरु की महादशा चल रही है अंतर्दशा चल रही है नेहा उनको कुछ रेमेडीज करनी चाहिए सबसे अच्छी रेमेडीज नेहा वो यह है जो शास्त्रों में भी बताई गई है कि आप ज्ञान को फैलाइए गुरु चूंकि ज्ञान के कारक हैं अब ज्ञान किस तरह से फैलेगा इस इरा में इस युग में आप किसी बच्चे की स्टडी स्पॉन्सर कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको जाकर पूरी उसकी फीस साल की दे देनी है आपको पूरी बुक्स का सेट दे देना है कुछ भी जितनी आपकी कैपेसिटी है भले ही आपकी ये दस रुपए की कैपेसिटी है तो आप एक बच्चे को निडी बच्चे को पेन भी लेकर देंगे वो भी गुरु की रेमेडी हो जाएगी तो ये चीज़ नेहा जरूर करनी चाहिए दूसरा जो आ, बेस्ट रेमेडी जो शास्त्र बताते हैं एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए फलदार पेड़ जो पेड़ सिंपल पेड़ लगाना वो बुद्ध की रेमेडी है फलदार पेड़ लगाना गुरु की रेमेडी है यदि हम फलदार पेड़ लगाते हैं कोई उसकी सेवा करते हैं

सारी uh, जानकारी हमने दी है कि किन के लिए अच्छा रहेगा और किन के लिए थोड़ा सा खराब फल कर सकता है या किन के लिए न्यूट्रल रहेंगे साथ में रेमेडीज भी तो आप इस पूरे एपिसोड को सुन सकते हैं हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर भी